अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप लोगों के। कल मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं मग प्लांटर्स बनाने जा रही हूँ और बहुत सारे मेरे प्लांट्स जो थे वो मग में ख़राब हो गए थे और आज मैंने कुछ प्लांटर्स बना लिए हैं, मतलब कुछ मग में मैंने प्लांट लगाए हैं। ये प्लांट्स मैंने कैसे लगाए हैं इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मेरे पहले चैनल पे मैंने इसके बारे में सब कुछ बताया हुआ है और आपने अक्सर देखा भी होगा मेरे मग प्लांटर्स जो थे वो काफ़ी अच्छे तक ग्रो करते रहे और उसके बाद जो है वो अब जो है दोबारा जब मैंने लगाए तो कौन कौन से प्लांट लगाए, ये प्लांट्स इनकी रूट्स बहुत कम होती हैं और जब ये प्लांट्स काफ़ी अर्से तक हमारे इस पॉट में लगे रहते हैं यानी इस मग के अंदर जब बड़े हो जाते हैं तो फिर हम चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने प्लांट लगाया है, आप ये देखिए, ये एक मग में लगाया हुआ है, ये है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट को भी आप इजली मग में लगा लेते हैं, काफ़ी अरसे तक इसमें चल जाता है। अब ये बहुत बड़ा हो जाएगा तो फिर आप इसको चेंज कर सकते हैं। पानी का आपने ख्याल रखना है, जितने भी ये प्लांट हैं इन सबको आपने पानी देख के देना है, ये नहीं कि पानी आप बस उस पर देते रहें हर रोज़। देखेंगे आप उंगली से चेक कर लीजिएगा, सॉइल आपको लगे ड्राई हो गई है तो आप थोड़ा पानी डाल दीजिएगा। होल आप नीचे कर भी सकते हैं और होल अगर नहीं किया है तो जो प्रोसेस है कि नीचे स्टोन रख दीजिए बहुत सारे, उसके ऊपर आप सॉइल डाल दीजिए तो होगा ये कि जब पानी आपका और वेल ड्रेन सॉइल डालनी है ताकि पानी अगर आप पलती सारा डाल दें तो नीचे चले जाए स्टोन्स के दरमियान में या फिर आहिस्ता आहिस्ता प्लांट की रूट्स उसमें से पानी लेती रहें। बहुत ज़्यादा पानी कभी भी इस तरह के मग में नहीं डाला जाता है, इस तरह के मग प्लांटर्स में नहीं डाला जाता है। एक तो लगाया मैंने स्पाइडर प्लांट, दूसरा लगाया मैंने मनी प्लांट। मनी प्लांट भी ईजिली लग जाता है, मैंने इस तरह के मग में कई दफ़ा लगाए हुए हैं, छोटे से जो कप होते हैं उसमें लगाए हुए हैं, तो मनी प्लांट उसमें बड़ा अच्छा ग्रो करता है और बहुत अच्छे तरीके से इसकी ब्रांचेज नीचे की तक चली जाती हैं। और ये जो मेरा प्लांट है, क्या आपने पेंसिल कैक्टस, ये तो आपने ज़रूर देखा होगा, बहुत अरसे से लगा हुआ है। अब मैं सोच रही हूँ इसकी सॉइल तब्दील करूँ, इसलिए काफ़ी अरसे कई साल से लगा हुआ। आप जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आप यकीन जानते होंगे, आपने देखा होगा मैंने कई दफ़ा इसको दिखाया है। इसके बाद देखिए जो प्लांट बहुत ईजिली लग जाता है, ये है रोहियो प्लांट। रोहियो प्लांट की खूबसूरती इसलिए और भी छती है कि पीछे इसका दूसरा कलर होता है पर्पल और आगे जो है दूसरा कलर होता है, और ये प्लांट भी बहुत ईजिली आप पॉट में लगा नहीं सके मग में लगा सकते हैं। और ये तो मतलब 1000 के प्लांट है, ये तो आप जानते ही हैं जो मैंने आपको कल दिखाए थे, ये भी ईजिली आप लगा सकते हैं। इसके बाद आप देखिए फिलोडेंड्रॉन, फिलोडेंड्रॉन की जो ये छोटी वाली वैरायटी है ड्वार्फ वैरायटी, ये बहुत ही प्यारी है। कुछ अरसे बाद आप देखिएगा इसमें कितनी अच्छी तरीके से ग्रो कर लेंगे, ऐसे खड़े से हो जाते हैं इसके प्लांट और इतने बड़े बड़े इतने खूबसूरती से इसके लीव निकलते हैं। मेरे पास एक प्लांटर है, मैं आपको दिखाऊंगी किसी दिन, बड़ा खूबसूरत सा उसमें इसके प्लांट ग्रो कर रहे हैं, बहुत ही प्यारा लगता है वो। और इसके बाद जनाब ये है हमारा, आप पहचान गए होते, टर्टल वाइन। टर्टल वाइन भी बहुत ईजिली लग जाती है, इसकी इस तरह से जो ब्रांचेज है वो नीचे की तरफ आती हैं और इसकी रूट ज़्यादा नहीं होती हैं, ये तो आप किसी बड़े पॉट में भी लगा सकते हैं। तो ये वो प्लांट्स हैं जो मैंने लगाए हैं, मैं और भी प्लांट्स लगाऊंगी। इसके अलावा आप टेंगल हार्ट लगा सकते हैं इसके अंदर, इस तरह के मग के अंदर आप लगा सकते हैं इसके अंदर। सैकुलेंट की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं जो आप बहुत ईजली इसके अंदर लगा सकते हैं। तो ये मैंने अभी बनाए हैं और आप भी ज़रूर बनाइए अपने घर में, आप यकीन कीजिए बहुत इन्जॉय करेंगे। इसको आप अपने अंदर रख सकते हैं, जैसे कि ये आप प्लांट स्पाइडर प्लांट इंडोर रख सकते हैं अपने टेबल के ऊपर, ये वाला रख सकते हैं, फिलोडेंड्रॉन रख सकते हैं, मनी प्लांट रख सकते हैं। इसे कैक्टस को तो ज़रूरत होती है धूप की, वो भी आप पार्टीशन में रखिए, रोजो प्लांट को भी थोड़ी सी सनलाइट की ज़रूरत होती है और जनाब इसको तो खैर बहुत होती है। तो ये सारे प्लांटर्स मैंने अब बनाए हैं, यकीनन आपने भी बनाए होंगे, अगर नहीं बनाए तो जल्दी से जाइए, कोई पाँच टाइम ही लगता, 5 मिनट लगते हैं। मग लीजिए, इसमें नीचे स्टोन डालिए, मिट्टी डालिए और एक प्यारा सा प्लांट लगाने के बाद अपने घर में उसको ग्रो कर लीजिए। अब इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।